नमस्कार मित्रों, मैं अनीश वर्मा आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज के वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ रिंग रोड से लेकर राजा तालाब तक के नजारे। अभी जिस जगह है यहाँ देखिए बोर्ड लगा हुआ है, अगर आपको जनसा जाना है तो यहाँ से आप बाएं चले जाएंगे, अगर आपको जाना राजा तालाब तो यहाँ से दाएं चले जाएंगे। चलिए हम लोग चलते हैं राजा तालाब, आपको नजारे पूरे दिखाते हैं, वीडियो में बने रहिएगा। दोस्तों जिस बोर्ड की बात कर रहे थे सामने लिखा राजा तालाब और दाहिने साइड जाने वाला है जनसा, हम लोग चलते हैं राजा तालाब। अब वैसे दोस्तों इस रिंग रोड के बन जाने के बाद यहाँ के आसपास के ज़मीनों की कीमत भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से बढ़ी है। अभी हो रहा है 1:33, तो उससे गाड़ी में चल रहा है तो 309 करोड़ गाड़ी चल चुका है मेरा और लगभग 700 किलोमीटर गाड़ी चलता है मेरा। देखिए ये है जनसा चला जाएगा रास्ता, यहाँ देखिए काफ़ी भारी भारी ब्रेकर बना हुआ है एकदम, इसलिए गाड़ी चलाइए आराम से सावधानी से। राहुल कार सर्विस सेंटर, माँ विंध्यवासिनी स्वीट हाउस, बॉम्बे हेयर कटिंग सैलून। दोस्तों वीडियो क्वालिटी कैसा रहा कमेंट बॉक्स जरूर बताइए, क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट आ रहा है कैमरे पर, थोड़ा एडिटिंग कर दूंगा मैं, देखिए क्या होता है। और इसी रास्ते में आपको कई सारे चीज़ें देखने को मिलेंगी, जैसे जो फेमस है वाराणसी का यानी राजा तालाब का रथयात्रा का मेला, वो यहीं पर लगता है भैरव तालाब के पास, वो भी रास्ते में आपको दिखाऊंगा मैं, बने रहेगा। नंद घर दाहिने साइड है, देखिए आगे हमें पहुँच गए धीरे से भैरवनाथ, देखिए बाएं तरफ लिखा है ना भैरवनाथ, ये भैरवनाथ का मार्केट है। ये ढूंढा पट्टी से मिल रहा है यहाँ पर, क्योंकि जनवरी समय खिचड़ी है, द गोलगप्पा शॉप। देखिए यहाँ पर मंदिर है कई सारे, देखिए इधर है मुख्य मंदिर जो है, यही है भैरवनाथ जी का मंदिर, टाइल्स लगा के एकदम चमका दिया गया है। सामने त्रिलिंगेश्वर मंदिर महादेव जी का, यहाँ पर है लंबोदर महादेव, देखिए यहाँ पर भी पेंटिंग वेंटिंग काम चल रहा है, काफ़ी खूबसूरत मंदिर लग रहा है, देख सकते हैं आप यहाँ पर एकदम खूबसूरत हो गया पहले से। और सामने महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ कृषि विज्ञान एवं तकनीकी संकाय भैरव तालाब परिसर, देखिए यहाँ पर भी मंदिर का पेंटिंग काम चल रहा है। अब दाहिने साइड है देसी शराब की दुकान वीर भानपुर, बाएं तरफ है स्कूल योगी कॉन्वेंट स्कूल, नहीं योगा कॉन्वेंट स्कूल है, योगा कॉन्वेंट स्कूल कौन भाई, पटेल कटरा, काफ़ी बड़ा कटरा भाई। नाक में हवा बहुत तेज जा रहा, ठंडा ठंडा एकदम, सर्दी भी ऐसे मुझे हो गया इसलिए आवाज़ थोड़ा बैठा बैठा लग रहा होगा, तो क्या किया जाए, ठंडी भी निकलना तो है वीडियो बनाने के लिए, चाहे कड़ाके ठंडी पड़े चाहे बर्फ पड़े, निकलना ही निकलना है, क्योंकि इस चैनल में वीडियो आपको डेली आता है तो वीडियो डालना मेरा ज़रूरी काम रहता है। और दोस्तों बगल में ही गंजारी जगह है राजा तालाब के, वहाँ पर क्रिकेट स्टेडियम बनने वाला है 450 करोड़ की लागत से, जिसके लिए भूमि अधिग्रहण काम चल रहा है, अगर वर्क स्टार्ट होगा तो जरूर मैं दिखाऊंगा आपको। पिछली बार आया तो मैं तो यहीं से वापस हो गया था, यानी यहीं से दाहिने घूम गया था, मेला तक नहीं पहुँच पाया था क्योंकि काफ़ी ज़बरदस्त भीड़ थी, यहाँ के जो निवासी लोग थे काफ़ी गलत काम कर रहे थे। देखिए ये सब दुकान घर है ना, इन लोग का बाइक स्टैंड का 50-50 रुपये ले रहे थे, बताइए मतलब इन लोग का रहता है कि आपदा में अवसर, कि समस्या है तो उसका लाभ उठाओ, नहीं जगह कम है तो 10 या 20 लो भाई, नहीं 50 लेंगे, एक दिन में कमा के राजा बन जाएंगे। काफ़ी ज़बरदस्त भीड़ लगता है यहाँ पर मेला देखने के लिए। वैसे देखिए दाहिने साइड भी एक मंदिर है, एक्चुअल में दोस्तों ये पचकोसी परिक्रमा का मार्ग है, तो जितने भी आप मंदिर देखेंगे
क्योंकि एक्चुअल में आना इधर इस साइड से है, तो जितने मंदिर देखेंगे सब दाहिनी साइड देखेंगे, इस साइड मंदिर जो बाएं साइड है मंदिर समझ लीजिए वो नए बसे हुए हैं, यानी नए मंदिर हैं। एक्चुअल में जितने भी पुराने मंदिर वो दाहिने साइड ही हैं, हम लोग उल्टा जा रहे इसलिए बाएं पड़ रहा है। फाइनली दोस्तों में पहुंच चुके हैं राजा तालाब लगभग। रोड अच्छा होने की वजह से क्या होता है कि सफ़र करने में मज़ा आता है, झटका उटका कम लगता है, तो आदमी आराम से आ जा सकता है। एक पाद राजा तालाब लिखा था। देखिए यहाँ भी मंदिर, देखिए ये बाएं तरफ है ना। ओम पैथोलॉजी। ये बड़ी गाड़ियाँ आना जा सके इसलिए यहाँ पे देखें हाइट गेज लगा था जो तोड़ दिया गया लगभग। सामने देखिए ये है NH-19 वाराणसी कोलकाता मार्ग, यानी दिल्ली कोलकाता मार्ग NH-19। पहले NH-2 था जो दो भाग में डिवाइड हो गया है, NH-19 और NH-44 में। ये है यहाँ का मार्केट। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, और हमेशा की तरह हर हर महादेव।